गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश कालनाथ जी नाथों में आते थे और उन्होंने एक पूरा पुस्तक लिखा कि किस तरीके से इंद्रजाल का प्रयोग करें कालांतर में हम इंद्रजाल का प्रयोग बस इतना जानते हैं कि उसको फ्रेम में लगा करके और कमरे में टांग लेने से जो भी आता है वो मोहित हो जाता है लेकिन सत्य यह है कि इंद्रजाल का अलग अलग प्रयोग है मसानी प्रयोग से लेकर के गृहस्थों के लिए भी उन्होंने प्रयोग बताया था तो उसी में से उसी किताब में से आज मैं आपको वशीकरण का मंत्र बताऊंगा, ठीक है वशीकरण के अलावा उन्होंने मारन मोहन उच्चाटन सारा कर्म बताया था पुरुष वशीकरण अलग से नारी वशीकरण अलग से और सर्वजन वशीकरण अलग से तो जो वशीकरण तिलक बनता है वो मूलभूत रूप से इन्हीं के तंत्र से बनता है वशीकरण तिलक बनाने का क्या तरीका है वशीकरण तिलक बनाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी एक इंद्रजाल का जाल मतलब जो सूखा हुआ पत्ता होता है और दूसरा गोरोचन ठीक है इन दोनों को मिला करके और उसके बाद इस पर वशीकरण का प्रयोग होता है इससे करना क्या होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष तो चतुर्दशी की रात्रि को स्मशान में इसकी सिद्धि होती है या आपके घर के ऐसे कोने में जहाँ अष्टमी से आप दीपक जलाकर रखें अखंड और वहाँ अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक कोई ना जाए यह पहला सिद्धांत है ठीक है तो ऐसे एक स्थान पर आप चुन लीजिए अगर आप स्मशान में इस क्रिया को कर सकते हैं तो बहुत उत्तम और अगर स्मशान में नहीं कर सकते हैं आपको घर पे करने की इच्छा है तो घर पे किसी एक कोने को आप बंद कर दीजिए और उस कोने में अष्टमी की रात्रि से अखंड दीपक जलाइए चतुर्दशी तक ठीक है चतुर्दशी के एक रात पहले इंद्रजाल शक्ति को वहां आमंत्रित करेंगे एक पान और एक सुपारी रखकर और एक सिक्का ये तीन चीजों को आप रखिएगा और जो इंद्रजाल की शक्ति है उसको अपने घर में आमंत्रित कर लीजिएगा स्मशान में ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है सीधे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम लोग जाएंगे एक दीपक लेके जो कि घी का होगा ठीक है और उसके बाद पूरब की तरफ मुंह करेंगे पूरब की तरफ मुंह करके और जो अभी मैं मंत्र बोलूंगा उसका एक हजार जाप करना है जब आप जाप करेंगे तो दीपक रखेंगे दीपक के ठीक सामने आप गोरोचन और इंद्रजाल के पेस्ट को मतलब उसको मिला के पेस्ट बना लेना है उसको रखेंगे और आपकी दृष्टि पूर्ण रूपेण उसी मिक्सचर पर होनी चाहिए अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ मंत्र ध्यान से सुनिएगा श्रिम ह्रिम क्लिम एम छौ भोग प्रदा भैरवी मातांगी त्रिलोकस्यम वश मनय स्वाहा फिर से सुनिए ओम ह्रिम क्लिम एम छौ भोग प्रदा भैरवी मातांगी त्रिलोकश्यम वश्य स्वाहा एक बार और सुनिए और इस बार ध्यान से सुनिएगा शब्दों में कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए एकमात्र मतलब कि आपका ये जो पूरा क्रिया है ये फेल हो जाएगा इसलिए ध्यान से श्रिम ह्रीम क्लिम एम छौम भोग प्रदा भैरवी मातांगी त्रिलोकस्यम वश्य मानय स्वाहा इसको एक हज़ार जाप करेंगे वहाँ पर बैठ करके और उसके बाद उस मिश्रण को ले आएंगे आपका वशीकरण तिलक तैयार हो जाएगा जब भी इस तिलक को धारण करेंगे तो आप सात बार इस मंत्र को बोलिएगा मतलब इसको हाथ में लिया उसके बाद सात बार इस मंत्र को बोलेंगे सात बार बोलने से ये मंत्र प्रभावी हो जाएगा और फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं आज के लिए इतना ही अल्प वीडियो है छोटा सा वीडियो बनाया है इस मंत्र को आप लोग ध्यान से करिए और अगर आपका बैड लक चल रहा है तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा आज के लिए इतना ही जिनको भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद सकता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से पूरे विश्व में ये मिलता है बेसिक साधना सीखने के लिए मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसको इंस्टॉल कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी फोर सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आपको दिखेगा और उस प्रोफाइल पर जाइए और आप मुझे कॉल कर सकते हैं बहुत अर्जेंट हो तो मुझे नाइन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं बिना अर्जेंसी के मैसेज ना करें आज के लिए इतना ही माँ भगवती आप सभी को वशीकरण की शक्ति दे ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश